हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय शर्मा एंड जुड़े वेलकम टू माय चैनल जुड़ी रावत। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं व्यू की अल्ट्रा 4K टीवी, जो कि व्यू टीज कर रहा था कुछ दिनों से। व्यू फंटास्टिक और टी को 4 बना दिया था उन्होंने, लेकिन कुल मिला के सच बात यह है कि टीवी बहुत ही शानदार है, शानदार प्राइस में लॉन्च हुई है। इसका प्राइस है 26,000 से स्टार्ट होती है कुल मिला के और 48-49,000 तक जाती है 65 इंच वाला जो है इसका मॉडल। तो इस टीवी में, इस वीडियो में हम इन टीवियों के बारे में बताने वाले हैं, आप देखते रहिए इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, 4 मॉडल लॉन्च किए हैं। 43 इंच वाला मॉडल है 26,000, मतलब 25,999 का। 50 इंच का है 28,999 का। 55 इंच का है 32,999 और 65 इंच का है 48,999। बट फॉर सम रीज़न 50 इंच वाला वर्जन अमेजोन पे अभी भी 29,999 का बता रहा है। व्यू अल्ट्रा 4K आपको सर्च करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए है। आपको ये टीवी खरीदनी तो जाके खरीद सकते हैं बेझिझक, धड़ल्ले से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको भी कुछ शेयर मिलेगा, आपको भी कुछ में शेयर मिलेगा। फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों। शानदार, जो मेरे को फेवरेट फीचर लगा, क्योंकि भाई 25,000 रुपए की टीवी में आपको 4K मिल रहा है, 30W मिल रहा है, 30W के शानदार स्पीकर दोस्तों। क्वाड कोर का प्रोसेसर है इसमें, अल्ट्रा एज मतलब बिल्कुल थिन बेजल है। और मैं सच बता रहा हूँ, जो उन्होंने जो टीवी उन्होंने अपने लॉन्च में रखी थी ना, वो नकली लग रही थी, लिटरली नकली लग रही थी, इतनी ज़्यादा कम बेजल थी दोस्तों। बिल्कुल बेजललेस डिज़ाइन है। प्रो पिक्चर कैलिब्रेशन मोड है, मतलब अगर आप सेट करना नहीं चाहते, जो टर्म फेंक के मारती है ना बाकी कंपनी की, विविड ले लो, स्टैंडर्ड ले लो, यूज़र ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, क्रिकेट ले लो, इसमें वो सिस्टम है। उसके साथ साथ प्रो वाला है, मतलब आप अपनी इच्छानुसार कलर सेट कर सकते हैं, मोड सेट कर सकते हैं। और इसमें बैकलाइट का जो है, बैकलाइट का वो इतना अच्छा है कि वो खुद उन्होंने पर्दे खोल रखे तो बोले तो फुल लाइट आ रही है, लेकिन फिर भी हमारी टीवी के जो ब्राइटनेस है, वो बैकलाइट है, वो कमज़ोर नहीं पड़ रही है दोस्तों। अल्ट्रा एडवांस पिक्चर विद डॉल्बी विजन एंड एचडीआर 10 तो नॉर्मल हो गया यार टीवियों के लिए, डॉल्बी विजन वगैरह। व्यू अपस्केलर, व्यू टीवीज की मेन खासियत ये होती है कि व्यू अपने आप को प्रीमियम ब्रांड बोलता है। क्यों? क्योंकि सोनी जैसी अपस्केलिंग है, सोनी और LG जैसी अपस्केलिंग है, 1080 का कंटेंट है, उसको 4K में अपस्केल करके देगा। बाय द वे दोस्तों, रियलमी टीवी ने भी लॉन्च की थी, उनकी 4K नहीं थी, बस यही कमी रह गई थी, बट 5,000 रुपये सस्ती थी। आज की तारीख में उनका थोड़ा इधर उधर हो गया इस, क्योंकि इस टीवी के लॉन्च के बाद। उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, आप जहाँ देख के देख सकते हैं, अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ कर रखी है उसकी दोस्तों। तो दोस्तों, बॉक्स वाले स्पीकर हैं, 30W जैसे मैंने बताई दिया, स्पोर्ट्स मोड है और कंटेंट एंड सॉफ्टवेयर में लाइसेंस्ड एंड्रॉइड पाई 9.0 पर काम करता है, ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर है, क्रोमकास्ट वगैरह, ये पूछने वाली बात है तो और नॉर्मली मिलेगा ही ना। अल्ट्रा थिन बेजल लेस बताई दिया, OTT हॉटकीज जो रिमोट है ना, वो एक्टिव वॉइस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। भाई ये क्या है, ये है कि आप बोल के सब कुछ कर पाएंगे। और इसमें एक 1, 2, 3 का भी बटन है। नॉर्मली टीवीज़ में होता ये है कि 11 बटन मिनिमम बटन रखते हैं, जैसे रियलमी का बटन था उसमें सिर्फ 11 बटन थे, इसमें 11 बटन तो हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा बटन्स भी हैं, लाइक आप नंबर, चैनल नंबर बदलने के बटन हैं। तो ये बहुत सी चीज़ लगी मेरे को। अल्ट्रा सिक्योर्ड पेरेंटल लॉक, ये फीचर है मेरा फेवरेट। आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, बच्चे टीवी चला लेते हैं और टीवी में नेटफ्लिक्स लॉगिन पड़ा होता है और कुछ भी चल जाता है, जो कि बच्चों के लिए कंटेंट नहीं बना हुआ है। जो यूट्यूब का आपको बताइए, यूट्यूब का जो कोपा वाला एक्ट था, चाइल्ड ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये सब चीज़ों कोपा तो नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि अल्ट्रा सिक्योर्ड पेरेंटल लॉक है, मतलब कोई भी आपके बच्चे को अगर हमने लॉक लगा रखा है टीवी में तो नहीं खोल पाएगा उस कंटेंट को जो कि एडल्ट्स के लिए है या फिर बड़े लोगों के लिए है। इसमें एक साउंड मोड है, सुपर साउंड स्पोर्ट्स मोड, जो कि अगर आप स्पोर्ट देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, फुटबॉल देख रहे हैं, जो फैंस होते हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी आवाज़ हो जाएगी। एडवांस HDMI 2.0 इनहेंस्ड फॉर्मेट है। कुल मिला के अपस्केलिंग वाली बात है, ये सब मैंने आपको बता दिया। ये टर्म्स फेंकने वाली बात आ गई है, प्रो पिक्चर कैलिब्रेशन मोड, इनसिग्निफिकेंट बैकलाइट कंट्रोल, अल्ट्रा एच 4K डिस्प्ले विद 40% इनहेंस ब्राइटनेस, ये सब फेंकने वाली बात होती है, ये सब कुछ नहीं है। स्विचिंग टू द अल्ट्रा 4K एक्सपीरियंस टुडे, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ऑल डिलीवर्ड इन अ लग्जरियस अल्ट्रा थिन बेजल, ये चीज़ माननी पड़ेगी क्योंकि इनकी बेजल सच में थिन है। रिमोट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स का बटन मिल जाएगा, यूट्यूब का बटन मिल जाएगा, गूगल प्ले का बटन मिल जाएगा, प्राइम वीडियो, उसके बाद हॉटस्टार का भी बटन है और एक और इनपुट का बटन है, आप उसमें जीफा सेट कर लो या फिर और जो आप इरोजनाओ सेट कर लो अगर वो देखते हो तो। उसके बाद वॉल्यूम प्लस, चैनल, टीवी और सब कुछ जो नॉर्मल आप इमेजिन कर सकते हैं सारे बटन मिलेंगे आपको। 64-bit का क्वाड कोर प्रोसेसर है, मैंने बता दिया, 30W के स्पीकर हैं, सब हो गया दोस्तों। तो कुल मिला के टीवी कैसी है फिलहाल? बहुत शानदार है। आज ही खरीद रहे हैं, 2-3 दिन में अनबॉक्सिंग हो जाएगी। तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल दबानी है और वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल पर बने रहना है ताकि इसकी अनबॉक्सिंग आप देख सकें। बाकी और भी रियलमी टीवी की अनबॉक्सिंग करी थी, आप जहाँ कार्ड में देख सकते हैं, 32-43 दोनों की टीवी की अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, हम दोनों को कंपैरिजन भी करेंगे। और बस बने रहिए इस वीडियो में, बने रहिए इस चैनल पर, और थैंक यू वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेकआउट, यहीं आ रही होंगी, देख लेना।